हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लवली किचन। आज मैं आप लोगों को साबुदाने की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, साबुदाने कितने खिले खिले से बने हैं और खिचड़ी में साबुदाने एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों का ध्यान रखने से खिचड़ी बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं बनेगी, बल्कि खिचड़ी एकदम खिली खिली सी बनकर तैयार होगी। तो आप भी व्रत में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी साबुदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने साबुदाना लिया है, इसे मैंने 3-4 बार धोकर 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। उसके बाद सारा पानी छान के इसे रात भर के लिए ढक के रख दी थी मैं। आप देख सकते हैं, सारे साबुदाने अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है, एकदम खिले खिले से हैं। आप देख सकते हैं साबुदाना कितनी आसानी से मैश हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी साबुदाने को भिगोइए और एकदम खिले खिले से खिचड़ी बनाइए। इधर मैंने कढ़ाई गर्म किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गरम होते ही मूंगफली डालेंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे। मूंगफली भून गई है, इसकी पहचान है। ये बीच से फटने लगता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो अब मूंगफली भूनकर तैयार हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। मूंगफली भी निकाल लिया है मैंने और साबुदाने की खिचड़ी बनाने के लिए सारी सामग्री भी तैयार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। आप व्रत के लिए जो भी ऑयल यूज करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे थोड़ा भून लेते हैं। अब डालेंगे करी पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, जब हम आलू डालेंगे उसके साथ ही अच्छे से भून जाएगा। अब डालेंगे छोटे टुकड़े में कटे हुए आलू और इसे कुछ सेकंड भून लेंगे। कुछ देर बाद गाजर भी डाल देते हैं। गाजर और आलू को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। आलू जब 60% के करीब पक जाए तब इसमें डालेंगे रफली कट किया हुआ टमाटर। साथ में डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर को ज्यादा भूनना नहीं है, बस टमाटर का कच्चा पन निकल जाए। उसके बाद डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालने से बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा और चटपटा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें अच्छे से भून गई हैं और पक भी गई हैं। साबुदाना डालेंगे, इसी टाइम पे नींबू का रस डाल देते हैं, साथ ही मूंगफली डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ एकदम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। व्रत में अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीजें भूनने के बाद इसे आधे मिनट के लिए ढक के पकाना है। चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। साबुदाना पक गया है, इसकी पहचान है, ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से कम समय में आप भी एकदम खिले खिले से साबुदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। इसका टेस्ट खट्टा मीठा चटपटा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप भी इस व्रत में साबुदाने की चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो घंटी का आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं तो जा रही हूँ साबुदाने की गर्मा गर्म खिचड़ी खाने। आपको खाना है तो आप भी आ सकते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।